पूरी कानून में जितने प्रावधान हैं कठोर से कठोर कार्रवाई कानून के प्रावधानों के अंतर्गत की जाएगी। जहाँ तक आपने दो सवाल पूछे फेलियर के बारे में, पुलिस व्यवस्था जितनी लगाई जाती है, जितने सारे कंटिंजेंसी प्लान किए जाते हैं सारे किए गए थे। अब जो इस प्रदर्शन के जो नेता थे उन लोगों ने कलेक्टर साहब और पुलिस अधीक्षक के साथ बैठक में जो वायदे किए थे उसको उन्होंने नहीं निभाया, उसको उन्होंने तोड़ा, तो वो भी उसके उत्तरदायी हैं। गिरफ्तार किए जाएंगे? नहीं, उस पर उत्तरदायी हैं। कानूनी कार्रवाई के जांच जारी है, जांच के बाद हम बताते हैं क्या है। प्रदर्शनकारियों द्वारा सभा स्थल से यहाँ तक जो भी गलत कार्य किए गए हैं, जो भी अवैधानिक कार्य किए गए हैं, चाहे वो तिरंगे का अपमान हो, चाहे लोक संपत्ति का नुकसान हो, चाहे पुलिस कर्मियों पर हमला हो, चाहे प्राइवेट प्रॉपर्टी जो कि गाड़ियां हैं सबको जलाया गया हो, हर एक बिंदु पे कार्रवाई की जाएगी और कठोर कार्रवाई की जाएगी। सर, कहा जा रहा था शांति समिति की बैठक हुई थी, उन्हें समझाइश दिया गया था, फिर अचानक इस तरीके से पिछले 15 दिनों से बैठक चल रही थी। कलेक्टर साहब और एसपी साहब लगातार बैठक कर रहे थे और उसके बाद भी ये हुआ। कल तक जो प्रदर्शनकारी थे उनके नेताओं ने आश्वासन दिया था कि कोई भी ऐसा कार्य नहीं किया जाएगा जिससे लोक संपत्ति को और लोक शांति को हानि हो, लेकिन वो हुआ है। इसके लिए वो सब उत्तरदायी हैं और उन पर कार्रवाई की जा रही है।